हाल ही में फिल्म आदि पुरुष को लेकर नेपाल में हिंदी सिनेमा को या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड को बैन कर दिया गया है। नेपाल में अब कोई हिंदी फिल्म चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नेपाल में ही बैन हुआ है तो ऐसा नहीं है। अब बिहार के लोग भी हिंदी सिनेमा को देखना ही पसंद नहीं करते हैं, हिंदी या यूँ कह लीजिए हिंदी फिल्म को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और भोजपुरी फिल्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, भोजपुरी फिल्म से तो कोसों दूर है। उन्हीं में से एक ए भैया है, ये कभी भी हिंदी सिनेमा या यूँ कह लीजिए हिंदी सिनेमा के कोई फिल्म ही नहीं देखे हैं। और हम भैया से जानेंगे कि आखिर भैया हिंदी फिल्म क्यों नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते भैया आप हिंदी फिल्म? हिंदी फिल्म इसे नहीं देखते कि हिंदी फिल्म जो है ना कि मतलब एक तरह से नंगा नाच कर रहा है हिंदी फिल्म। हाँ। जो भी बॉलीवुड वाले हैं एक तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर सीन में मतलब वहाँ जो है ना कि मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहनना और मतलब गंदा गंदा सीन दिखाना जो कि हम लोग अपने घर में फैमिली के साथ मतलब नहीं बैठ के देख सकते हैं। बट इसीलिए और जो आदि पुरुष इस बार मूवी आया था उसमें मतलब जो रामायण का जो प्रमाण के बारे में दिखाया गया है, बिल्कुल हम लोग का जो रीति है सनातन धर्म है वो एकदम पूरा उसको लज्जित करने लायक है। बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जो है हिंदी सिनेमा उसमें मतलब ये स्टोरी उसका कुछ नहीं है, स्टोरी वगैरह जो भी है कुछ नहीं है, बस निब्बा निब्बी का खेल हो गया है, बस एक दूसरे को मतलब कहीं ले जाना किस करना वगैरह बहुत चीज़ है। इसलिए हिंदी मूवी को मैं तो चाह रहा हूँ कि हिंदी मूवी किसी फैमिली वालों को देखना ही नहीं चाहिए, बस इससे अच्छा तो लाख गुना अच्छा है बॉलीवुड हॉलीवुड वाले जो कि मतलब कम से कम किसिंग सीन देते हैं बट कुछ सेकंड के लिए देते हैं, 5 सेकंड 2 सेकंड के लिए, लेकिन हिंदी मूवी वाले तो चिपक जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट चिपके ही रहते हैं। और इतना गंदा गंदा सॉन्ग मतलब वो लोग सॉन्ग में जो कपड़ा यूज़ करते हैं इतना गंदा गंदा रहता है कि मतलब क्या बताए, एक तरह से समझिए कि मतलब ज़्यादा तो बोले नहीं लेकिन हकीकत यही है। सुना भैया आपने, ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ नेपाल में ही बंद होगा, अब धीरे धीरे बिहार में भी या यूँ कह लीजिए अपना देश से बॉलीवुड बंद हो जाएगा। कहला कि जिस तरह से बॉलीवुड के डांसर की उन राखी सावंत कहलाती है, एगो गाना आयल है भोजपुरी में, ए भाई जी तीने गो के राजवा, ठीक वैसे ही एगो उर्फी जावेद, एगो शर्लिन चोपड़ा आ एगो राखी सावंत, ये तीनों तो सोशल मीडिया पर घिना दिया अगवारा पछुआरा ऊपर का दिखा के। लेकिन अब लोग, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नेपाल में ही बैन हुआ है, ऐसा नहीं है भाई, बिहार के लोग भी हिंदी सिनेमा को देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, पहले का फिल्म देखा करते थे, ये भाई है सिर्फ साउथ फिल्म और साउथ का और हॉलीवुड का ही देखा करते हैं। वैसे भी जो हिंदी फिल्म जो बनाया जाता है वो ज़्यादातर साउथ वाले का ही कॉपी होता है या फिर हॉलीवुड वाले का कॉपी होता है। खैर आपको क्या कहना है, क्या पूरे अपने देश में भारत देश में भी बॉलीवुड को बैन कर दिया जाए या नहीं, आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए।